तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं फैप सेल्फर। रॉक बॉटम, F5 सुप्लेक्स फेयर, इन सभी मूव्स को तो हम डेली लाइफ में देखते ही हैं, लेकिन गाइस आज हम आप पांच ऐसे ब्रूटल मूव्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो WWE पूरी तरीके से बैन कर दिए हैं। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो पहला मूव है उसका नाम है शूटिंग स्टार प्रेस, जो कि ब्रॉक लेसनर दिया करते थे। तो WWE ने इसे 2005 में इस मूव को बैन कर दिया था। तो इस मूव में प्लेयर अपने ओपोनेंट पर रोप पर चढ़कर बैक फ्लिप मारता है, और अगर कोई हल्का फुल्का प्लेयर हो तो इस मूव से ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो आप सभी इनको जानते हैं, अगर ब्रॉक लेसनर इस मूव को परफॉर्म करेंगे तो अच्छे खासे इंसान का मुरब्बा निकल जाएगा। तो जो नेक्स्ट मूव है उसका नाम है चेयर शॉट टू द हेड। तो आप सभी ने अगर WWE देखी होगी तो उसको नॉन डिस्क्वालिफिकेशन या कहें किसी मेन इवेंट में हेड इस मूव का यूज किया ही करते थे, और यह मूव काफी ज्यादा ब्रूटल होता था। तो गाइस जो हमारा थर्ड मूव है उसका नाम है कर्व स्टोन। तो सेथ रोलिंस इस मूव को शील्ड से अलग होने के बाद फिनिशर के रूप में यूज करते थे। तो यह मूव मैं आपको पर्सनली बताऊं तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस मूव को WWE की तरफ से बैन भी नहीं किया गया है, बल्कि सेथ रोलिंस ने इसे खुद पर्सनली परफॉर्म करना बंद कर दिया और उन्होंने ट्रिपल एच की पेडिग्री यूज करना शुरू कर दिया। तो गाइस जो हमारा सेकंड मूव है उसका नाम है पाइल ड्राइवर। तो यह मूव 2001 में बैन कर दिया गया था WWE की तरफ से। तो और आगे यह मूव स्टीव ऑस्टिन को दिया, और स्टीव ऑस्टिन इस मूव से काफी ज्यादा इंजरी हो गई थी, तो WWE ने इसीलिए इस मूव को बैन कर दिया। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट और लास्ट मूव है उसका नाम है ओरिजिनल पेडिग्री। तो इस मूव को ट्रिपल एच यूज करते थे। आजकल क्या पेडिग्री देखते हैं, उसका प्लेयर अपने अपोनेंट का हाथ छोड़ देता है जब उसका सर टकराने वाला था, लेकिन पहले ट्रिपल एच अपने अपोनेंट को हाथों को जमीन से टकराने तक छोड़ते ही नहीं थे, जिससे दूसरे प्लेयर के सर में काफी ज्यादा इंजरी हो जाती थी। तो यह मूव काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो आप सभी को इन बैन मूव से कौन सा मूव सबसे ज्यादा ब्रूटल लगा, और कौन से मूव को आप फिर से देखना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और ऐसी कमाल की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।